अभी कल मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ ये नियम बना दिया। और पता नहीं कौन सी उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय एक्शन मोड में है और काफी गुस्से में भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुस्से में आगे क्या कुछ कहा वो बताएं। उससे पहले आपको सीएम के गुस्से की वजह बता देते हैं। दरअसल सीएम के गुस्से के पीछे विद्यालय का एक पोस्टर है जो विवादों में तब आया जब टॉप करने वाली लड़कियों में हिंदू थी लेकिन तस्वीरें हिजाब के साथ थी। यानी कि पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। ये वाक्या दामों के एक निजी स्कूल गंगा जमुना का है। स्कूल की छात्राओं ने ये आरोप लगाया था कि उनके ड्रेस कोड में हिजाब छोड़ दिया गया है और उन्हें जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात सामने आने के बाद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था, साथ ही स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की मांग उठाई थी, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामले में हिंदू संगठन एक्टिव जब हुए तो शुरुआती जांच में कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सांप्रदायिक रंग ले चुके इस मामले में जब बात सरकार तक पहुंची और गृह मंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरे से जांच करने के निर्देश दे दिए। अब सीएम के सख्त तेवर के बाद दामो कलेक्टर ने स्कूल पर कार्रवाई करते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब के बंधन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कलेक्टर के निर्देश के बाद अब अल्लामा इकबाल के लब पे आती है दुआ नज़्म गाने पर भी रोक लगेगी। अब छात्र सुबह की प्रार्थना में केवल राष्ट्रगान जनगण मन ही गाएंगे, जिसके बाद छतरपुर में कार्यक्रम के दौरान गरजते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी कल मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ ये नियम बना दिया। और पता नहीं कौन सी उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी जो शिक्षा नीति लागू की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वो ही शिक्षा नीति लागू होगी और उसके खिलाफ अगर कोई स्कूल में दूसरी गलत चीज पढ़ाएगा या किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा तो ऐसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए छात्राओं को मजबूर किया गया था। ये बात सामने आने के बाद हिंदू संगठन एक्टिव हो गया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए गए। उसकी जांच कराई है, प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। सीएम शिवराज ने भी सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें, कलेक्टर दामो मयंक ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश पर स्कूल मामले में गठित समिति की जांच जारी की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि नियम किन परिस्थितियों में बनाए गए, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब सीएम शिवराज सिंह के इस एक्शन पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।